स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर अमेंडमेंट करने में आपने देरी करी तो आपको 20,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे एक क्लाइंट को, हमारे एक मेंबर को ऐसा नोटिस आया है। इस नोटिस के बारे में समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि GST के अंदर लिखा क्या गया है। हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 28 GST का, ये बताता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपको अपने GST में कुछ भी चीज़ चेंज करनी है, जैसे कि लेट सपोज आपको एड्रेस चेंज करना है, आप दिल्ली में हो, शादरा से अपने एड्रेस चेंज करके लक्ष्मीनगर जा रहे हो, या आप मुंबई में हो, कहीं से एड्रेस चेंज करके दूसरी जगह जा रहे हो विद इन सेम स्टेट, तो आपको अमेंडमेंट फाइल करनी है। कोई डायरेक्टर ऐड हुआ, कोई पार्टनर ऐड हुआ या रिमूव हुआ, तो आपको अमेंडमेंट फाइल करनी है। अब इस केस में हुआ क्या, एक व्यक्ति ने अमेंडमेंट फाइल करी, लेकिन अमेंडमेंट को अप्रूव डिपार्टमेंट ने नहीं करा, पहले क्लैरिफिकेशन मांगी और कहा 20,000 रुपये की पेनल्टी आप जमा करा दो, उसके बाद हम तुम्हारी अमेंडमेंट को अप्रूव करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये सही है या गलत है। केस को पूरा डिस्कस करते हैं। हुआ क्या है, नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, कि व्यक्ति ने एप्लीकेशन फाइल करी कब, 29 जनवरी 2022 को। जब 29 जनवरी 2022 को एप्लीकेशन को फाइल किया गया तो एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया गया और कहा गया एज पर CGST एक्ट सप्लायर हैव टू इंटीमेट डिपार्टमेंट विद इन 30 डेज। मेरा मानना यही है कि यहाँ पर 30 डेज नहीं है, लॉ में जो टाइम लिखा हुआ है वो 15 दिन लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है 15 दिन, अगर आप रूल 19 पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है 15 दिन। ये सारी बातें, जितने भी सेक्शन होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, हमारा पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव का कोर्स है जिसमें लगभग 120 घंटे का कोर्स है हमारा। हम उस 120 घंटे के अंदर आपको सारे सेक्शन बताते हैं, सेक्शन मतलब 80-100 सेक्शन पढ़ाते हैं, और ऐसे ही हम 50-60 आपको रोल भी बताते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप हमारी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव ले सकते हैं, जिससे आप इस तरह के नोटिस का जवाब दे सकें। अगर आप देखेंगे तो जो रूल है हमारा, रूल नंबर 19, उसमें ये टाइम 15 दिन लिखा हुआ है, नोटिस में 30 दिन क्यों आया मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि ये 15 दिन है या 30 दिन। तो कहा जाता है कि जब भी आप कोई अमेंडमेंट कर रहे हो तो आपको 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर, ठीक है ना, आपको डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है। अब इस व्यक्ति ने इंटीमेट करने में देरी कर दी, अब हो सकता है देरी किसी भी वजह से होगी, ठीक है ना, उसे टाइम नहीं मिला होगा या वो किसी और काम में बिजी होगा, तो जैसे ही देरी कर दी तो इन्होंने क्या कहा, यू हैज इंटीमेट डिपार्टमेंट आफ्टर 30 डेज, तो पेनल्टी 10,000 रुपये की CGST में ले आओ और 10,000 रुपये की SGST में ले आओ DRC 03 से। तो अब ये जो 20,000 की पेनल्टी लगी है, क्या ये यहां पर लगाना ठीक है या पेनल्टी के लिए अलग से नोटिस देना चाहिए था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। मेरा व्यू क्या है कि जब मैंने ये एप्लीकेशन सबमिट करी, ये एप्लीकेशन मेरी अप्रूव हो जानी चाहिए, और उसके बाद पेनल्टी के लिए सेक्शन 125 में आप पेनल्टी लगाओ। सेक्शन 125 किस चीज की बात करता है, जर्नल पेनल्टी की बात करता है। ये कहता है कि भाई अगर लॉ में कहीं भी कुछ नहीं लिखा तो हम आपसे पेनल्टी ले लेंगे, या आप सेक्शन 164 में पेनल्टी लगाओ। सेक्शन 164 किस बात की बात करता है, कि भाई अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं करा तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। लेकिन इस तरीके से 20,000 की पेनल्टी लगाना, ठीक है, मेरे हिसाब से जायज नहीं है। इस तरह की गलती, कई बार डिले तो आप भी हो जाते हो, आप भी तो रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने में डिले कर देते हो, आप भी तो हम जो एप्लीकेशन डालते हैं उसे भी डिले कर देते हो, तो सारी पेनल्टी SSC पर लगे क्या, डिपार्टमेंट पर कोई पेनल्टी ना लगे? तो यहां पर आप उससे रीजन पूछ लो कि भाई आपने इतना डिले क्यों करा, और अगर आपको पेनल्टी लगानी है 1,000-2,000 रुपये की पेनल्टी लगाकर छोड़ दो। अब एक रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट के लिए 20,000 रुपये की पेनल्टी लगाना जायज है क्या, ये मेरे हिसाब से गलत है। ये तो ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने, लगता है, डिपार्टमेंट वालों को टारगेट दे दिया, और टारगेट दे दिया कि ए ऑफिसर है, बी ऑफिसर है, सी ऑफिसर है, जो ज्यादा पेनल्टी लेकर आएगा उसे हम अवार्ड देंगे, हम उसे प्राइज देंगे, हम उसका नाम डिपार्टमेंट में छपवा देंगे कि हाँ ये सबसे रैंकिंग वाला, बढ़िया रैंकिंग वाला ऑफिसर है।
तो मेरी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई रैंकिंग इस बेस पर मत दो कि आप कितनी पेनल्टी कलेक्ट करते हो, कितनी लेट फीस कलेक्ट करते हो, क्योंकि ये अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में उल्टी सीधी पेनल्टी लगाकर भेज देंगे क्लाइंट को। और यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो मोदी जी का सपना है, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये एक छोटी सी बात है कि अमेंडमेंट फाइल करनी है, 15 दिन के अंदर करनी है, 30 दिन के अंदर करनी है। अगर वो असेसी नहीं करता है, गलत है, करनी चाहिए टाइम पर, लेकिन अगर वो नहीं करता उस पर 1000 रुपये की, 2000 रुपये की पेनल्टी लगा दो, 20-20 हज़ार की पेनल्टी लगाओगे, ठीक है। लेट सपोज ये काम मान लो उसने अपने प्रोफेशनल को ही दे दिया, अब प्रोफेशनल किसी और काम में बिजी है, टैक्स ऑडिट में बिजी है या किसी भी चीज़ों में बिजी है, तो यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना क्या ये 20 हज़ार की पेनल्टी ठीक है या नहीं। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या यहीं पर पेनल्टी लगाए या एक अलग से नोटिस इशू किया जाना चाहिए पेनल्टी लगाने के लिए, क्योंकि नहीं तो ये हमारी अमेंडमेंट को अप्रूव नहीं करेंगे जब तक हम इसे जमा नहीं करते। मेरी रिक्वेस्ट है ऑफिसर से कि आपको ये अमेंडमेंट अप्रूव करनी चाहिए और पेनल्टी के लिए अलग से प्रोसीडिंग करनी चाहिए। तो भैया इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको GST की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी पेनल्टी लगनी है। तो इसके लिए जो हमारा कोर्स है 150 घंटे से ज़्यादा का कोर्स है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फेस टू फेस बैच दिल्ली NCR वालों के लिए है, और जो दिल्ली NCR से बाहर है उनके लिए पेन ड्राइव क्लासेज है और गूगल ड्राइव क्लासेज है। तो अगर आपको लेनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपनी नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएं, ठीक है, जिससे कि आप डिपार्टमेंट से आने वाले नोटिसेस का सामना कर सके। और अगर आपको गूगल शीट के बारे में सीखना है तो हमारा एक्सेल और गूगल शीट का वेबिनार है, ठीक है, 27 फरवरी को, इसमें भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप ना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं कि भाई आपके कौन कौन से वेबिनार है, कुछ पेड वेबिनार्स होते हैं, कुछ फ्री वेबिनार्स होते हैं। जैसे 20 फरवरी को हमारा वेबिनार है 9 और 9C पर, 9 और 9C की लास्ट डेट 28 तारीख है, 9 और 9C में भी नोटिसेज आ रहे हैं। अगर किसी ने गलत 9C फाइल करी है तो नोटिसेज आ रहे हैं, तो अगर आप उन नोटिसेज से बचना चाहते हैं तो आप हमारा सेशन ज्वाइन करें अपनी 9 और 9C भरने से पहले। इसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी वेबिनार है, इसके अलावा फ्री वेबिनार है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे से आप इंजॉय कर पाए, तो काफ़ी सारी किताबों पर वेबिनार कर रहे हैं। जैसे हमारा एक वेबिनार है, एक किताब है द ब्रेक थ्रू, ठीक है, इसकी स्पीकर रहेंगी CA तान्या गुप्ता, इनका ये सेशन है, बिल्कुल फ्री है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं एक बुक पर आपको सेशन दे रहा हूँ थिंक एंड ग्रो रिच पर, ये भी बिल्कुल फ्री है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे सेशन चलते रहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप डालकर पूछ सकते हैं कि कौन कौन से वेबिनार है। मैगजीन आपने ले ही ली होगी, अगर नहीं ली है तो मैगजीन की सैंपल कॉपी भी ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू।